In this video, we will study about the linkage and recombination. That is the concept from the side of the Thomas Hunt Morgan. Linkage and recombination. Linkage and recombination. लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन को अगर सिंपली हम डिफाइन करें तो लिंकेज का मतलब होता है कि जब कोई जीन क्रोमोसोम पर अपनी एक फिक्स पोजीशन पर लिंक्ड हो तो उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, लिंकेज नाम देते हैं। और लिंकेज के साथ जब हम रिकॉम्बिनेशन वर्ड को लेते हैं तो अंडरस्टूड है रिकॉम्बिनेशन। ये हमने 11th में क्रॉसिंग ओवर के साथ भी पढ़ा था कि जब गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रॉसिंग ओवर के बाद नए कैरेक्टर्स बिल्डअप होते हैं, यानी कि गैमेट्स के अंदर न्यू जीन्स का इंटरेक्शन होता है, तो उससे हमें नए रिजल्ट्स मिलते हैं जिसे हम रिकॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। मींस ऐसे कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स के बीच में वी कैन से इंडिपेंडेंटली असोर्ट होते हैं, दैट आर द न्यू कॉम्बिनेशन। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ नए कैरेक्टर्स का अपीयर होना। तो यहाँ पर जो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन है हम उसे क्रॉसिंग ओवर के साथ रिलेट करेंगे कि किस तरीके से ये शो होता है। सबसे पहले जब अगर हम इस लिंकेज वर्ड को डिफाइन करें तो लिंकेज वर्ड क्या होता है, दैट इज द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम। जब एक क्रोमोसोम पर जीन्स लोकेटेड है तो उस कंडीशन को हम यहाँ क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। और जो ये लिंकेज की थ्योरी है, लिंकेज थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय थॉमस हंट मॉर्गन, वी कैन से इट TH मॉर्गन। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि थॉमस हंट मॉर्गन ने जो स्टडी की थी वो किस पर की थी, ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला, तो इस ड्रोसोफिला पर उसने अपनी कंप्लीट स्टडी की और ये पाया कि जो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उन पर जीन्स का एक फिजिकल एसोसिएशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। अब जब उसने इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करना स्टार्ट किया तो उस कॉन्सेप्ट में जैसे सबसे पहले लिंकेज को देखा किसने था, बैटसन और पोनेट ने देखा था। लिंकेज फर्स्ट सीन बाय पुनेट एंड पैटसन। उन्होंने इसको सबसे पहले देखा लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया। एक्सप्लेन करने में मेन रोल किसका होता है, थॉमस हंट मॉर्गन का। जब इन्होंने फिजिकल मैपिंग को शो करना स्टार्ट किया तो ये जो लिंकेज पार्ट था उससे पहले मेंडल इसके लिए डिस्कवरी कर चुका था लेकिन मेंडल को उस टाइम तक इस लिंकेज का मीनिंग नोन नहीं था। इस चीज को शो करने के लिए थॉमस हंट मॉर्गन ने अपनी स्टोरी, अपनी जो मतलब थ्योरी थी, हिस्ट्री जो थी उसको वेल एक्सप्लेन किया। तो जब हम मेंडल का इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट रूल लेते हैं, इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, तो उस इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट में हम कहते हैं कि जब मेंडल ने क्रॉस किया पी प्लांट के साथ तो उसका रेशियो आया था 9:3:3:1। और जब थॉमस हंट मॉर्गन ने अपना क्रॉस किया तो उसका रेशियो भी क्या आया, 9:3:3:1। इट मीन्स दोनों का रेशियो बराबर आ रहा है तो ये कह सकते हैं कि मेंडल की जो थ्योरी थी वो समवट सिमिलर थी बट कॉन्सेप्ट अलग अलग था। वहां पर मेंडल ने इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट को शो किया, उसने रिकॉम्बिनेशन भी शो किया, जैसे हम यहाँ कहते हैं 9 और 1 जो है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन से, लेकिन 3:3 का जो रेशियो आता है वो नॉन पेरेंटल होता है यानी कि रिकॉम्बिनेशन से है। और सेम चीज यहाँ मॉर्गन भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहा कि मॉर्गन ने इस कॉन्सेप्ट को थोरोली एक्सप्लेन किया लेकिन मेंडल का जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ जीन्स के साथ ही एसोसिएटेड था, उसने इस लिंकेज टर्म को आइडेंटिफाई नहीं किया था। जब थॉमस हंट मॉर्गन का कॉन्सेप्ट आगे चला तो उसने ड्रोसोफिला में एक क्रॉस किया और उसमें ड्रोसोफिला में जब क्रॉस किया तो उसने ड्रोसोफिला में एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड स्टडी की। एक्स क्रोमोसोम क्यों, क्योंकि ज्यादातर जो जीन्स होते हैं ड्रोसोफिला में वो कैसे हैं, एक्स लिंक्ड है। वी कैन से दैट यू कैन से मॉर्गन ने सेक्स लिंकेज को
आइडेंटिफाई किया था। तो सेक्स लिंकेज में जब हम बात करते हैं तो एक्स लिंक्ड है, यानी कि जितने भी जीन्स हैं बॉडी कलर के लिए, आईज के लिए, विंग्स के लिए, वो सारे एक्स पर अटैच होते हैं, वाई पर कोई भी जीन यहाँ प्रेजेंट नहीं होता। तो जब इन चीजों को पूरा एक्सप्लेन किया गया तो मॉर्गन ने एक अजम्पशन बनाई। मॉर्गन ने एक डाइहाइब्रिड क्रॉस अरेंज किया, यू कैन से एंड्रोसोफिला। यहाँ हमने मेल फीमेल के दो क्रॉसेस को दिखाने की कोशिश की है। अब ये दो क्रॉसेस क्या शो करते हैं, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाई जीन इज टेकन फॉर द येलो बॉडी एंड डब्ल्यू जीन इज फॉर व्हाइट आइड, येलो बॉडी व्हाइट आइड। और यहाँ जो डब्ल्यू और एम कैरेक्टर लिया है, डब्ल्यू फॉर द व्हाइट विंग्ड एंड एम फॉर द मिनिएचर बॉडी, मिनिएचर बॉडी। और यहाँ हमने इसे प्लस साइन से शो किया है, यानी कि ये जो वाइल्ड टाइप का जीन है, वाइल्ड टाइप जो जनरली किसी भी पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट होता है, वाइल्ड टाइप। तो यहाँ पर हमने दो क्रोमोसोम लिए, ये है फीमेल। आपको मालूम होगा कि ड्रोसोफिला में और ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं, तो ये फीमेल है तो एक्स एक्स क्रोमोसोम है, ये मेल है तो एक एक्स और एक वाई। और अभी हमने डिस्कस किया था कि जितने भी बॉडी के कैरेक्टर्स को शो करने के जो जीन्स होते हैं वो हमेशा एक्स पर प्रेजेंट है, इसलिए हमने वाई क्रोमोसोम को दोनों कंडीशन में ब्लैंक छोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एक चीज यहाँ देखने लायक है कि यहाँ पर मैंने जीन्स को बहुत ज्यादा नजदीक प्लेस किया है और यहाँ पर उन जीन्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। तो ये क्या शो करता है, इट शोज डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन। ये जो हमने लोकेशन दिखाई है ये डिस्टेंस को शो करती है, और वो डिस्टेंस क्या कहता है कि जितने ज्यादा जीन्स एक दूसरे के नजदीक प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डिस्टेंस कम होता है तो क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर का चांस भी कम हो जाएगा। तो वी कैन से दैट इफ जीन्स लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्लोज टू ईच अदर देन दे आर टाइटली लिंक्ड, टाइटली लिंक्ड। और जब टाइट लिंक्ड होते हैं तो क्या होता है, चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर लेस, क्रॉसिंग ओवर का चांस डिक्रीज हो जाएगा और रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन लेस, और पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन मोर, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम हुआ जीन्स के बीच में, क्रॉसिंग ओवर का चांस कम होगा, क्रॉसिंग ओवर कम होगा तो रिकॉम्बिनेशन कम और पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी कम होगा। और जब मेंडल ने इसका रिजल्ट निकाला तो उसमें क्या निकला, 98.7% पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन और 1.3% रिकॉम्बिनेशन। तो हम यहाँ इस रेशियो से देख सकते हैं कि ये रेशियो क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम हुआ जीन्स के बीच में, जीन्स टाइटली लिंक्ड हुए, तो रिजल्ट क्या निकला कि रिकॉम्बिनेशन कम आया, लेस है जो हमने वहां मेंशन किया था, और पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा है। तो ये शो करता है टाइट लिंक्ड जीन को, यानी कि इस क्रॉस के बारे में शो करता है। अब नेक्स्ट वाला जो नेक्स्ट जो है, इसमें हमने क्या किया, दोनों जीन्स को फार अपार्ट रखा हुआ है, इट मीन्स दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, द डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज मोर, ज्यादा डिस्टेंस होगा तो चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज मोर, चांस जो है क्रॉसिंग ओवर का वो भी ज्यादा होगा। अब क्रॉसिंग ओवर का चांस ज्यादा है तो जैसे जैसे क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज होगा क्या होगा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन लेस, पेरेंटल कॉम्बिनेशन लेस होते चले जाएंगे और रिकॉम्बिनेशन जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन मोर, क्लियर। और इस कंडीशन में जब जीन्स दोनों एक दूसरे से फार अपार्ट प्रेजेंट है, देन दे आर लूजली अरेंज्ड, और इस लूजली अरेंज्ड कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लूज
लिंकेज और टाइट लिंकेज। जैसे टाइट लिंकेज हमने पीछे किया जिसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के जीन्स जो है क्रोमोसोम पर वो एक दूसरे के नजदीक हैं, और लूजली लिंक्ड जीन्स के अंदर जो डिस्टेंस है जीन्स के बीच में वो ज्यादा है। और जब हम यहाँ देखते हैं तो 68.2% ये क्या आता है हमारा पेरेंटल कॉम्बिनेशन। ठीक, और जो रिकॉम्बिनेशन है इट बिकम्स 37.2%। तो पीछे जो टाइट लिंक्ड जीन है उनके कंपैरेटिवली हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो वो इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर फार अपार्ट प्रेजेंट होंगे तो चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो है वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एक स्टूडेंट था मॉर्गन का, एल्फ्रेड स्ट्रुएटवेंट, उसने जीन मैपिंग के बारे में डिस्कशन किया। लेट्स सी क्या था वो। स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन दैट इज एल्फ्रेड स्ट्रुएटवेंट यूज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन between gene pair and gene pair on chromosome as a measure of distance between gene and mapped their position on chromosome, ये जो डिस्कवरी थी ये स्ट्रुएटवेंट ने की काफी इंपॉर्टेंट है। जीन फ्रीक्वेंसी के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि एल्फ्रेड स्ट्रुएटवेंट जो कि मॉर्गन का स्टूडेंट था उसने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी की और उसने क्या बताया कि जीन पेयर ऑन द क्रोमोसोम की जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है वो क्रोमोसोम के जीन पेयर पर डिपेंड करती है, वेदर दे आर टाइटली लिंक्ड और दे आर लूजली लिंक्ड। तो जैसे जैसे उनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, जो क्रोमोसोम की पोजीशन है उस पर जीन का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, वैसे वैसे उसके बीच में जो है क्रोमोसोम्स के ऊपर डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके बाद उसने क्या स्टडी किया, दिस फ्रीक्वेंसी एक्सटेंसिवली यूज्ड इन सीक्वेंसिंग होल जीनोम प्रोजेक्ट कि जो होल जीनोम प्रोजेक्ट है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उस होल जीनोम प्रोजेक्ट को मैप करने के लिए इस मेथड का यूज किया जा सकता है। उसके अलावा इसमें हम एक लिंकेज ग्रुप के बारे में पढ़ सकते हैं, लिंकेज ग्रुप कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में कितने लिंकेज ग्रुप होते हैं। तो जितना एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा उतने ही लिंकेज ग्रुप होंगे। जैसे हम बात करें ह्यूमंस की तो ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं 2N, अगर हम 2N की बात करें दीज आर द 46, और अगर N की बात करते हैं तो 23। तो N 23 है इसलिए यहाँ पर लिंकेज ग्रुप भी कितने होंगे 23 लिंकेज ग्रुप होंगे। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के अगर 2N नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे रखे हैं तो हम उसका हाफ करके उसका लिंकेज ग्रुप बता सकते हैं, या फिर N नंबर ही गिवन है तो दैट इज द लिंकेज ग्रुप। क्लियर। उसके अलावा सिस लिंकेज और ट्रांस लिंकेज, तो लिंकेज भी होती है सिस लिंकेज और ट्रांस लिंकेज। ये क्या है, सिस लिंकेज में क्या होता है, देखिए जैसे मैंने यहाँ ये दो क्रोमोसोम्स ड्रॉ कर दिए, तो इस क्रोमोसोम पर सपोज दैट ए और बी जीन, मींस दोनों जीन्स एक साइड हैं, ये दोनों एक साइड, तो डिफरेंस क्या है दोनों में, एक तरफ पूरे डोमिनेंट जीन है और एक तरफ रिसेसिव, ऐसे अरेंजमेंट को सिस लिंकेज कहते हैं। और अगर ट्रांस लिंकेज रहे ले तो इसके अंदर क्या होता है, हाइब्रिड नेचर होता है। जैसे यहाँ पर ए जीन है और यहाँ पर बी रिसेसिव जीन होगा, तो दैट इज द हाइब्रिड। सेम इज हियर, यहाँ स्मॉल ए होगा और यहाँ कैपिटल बी, कंडीशन सेम है, दोनों के अंदर सेम टाइप के ही गैमिट्स बनेंगे, यानी कि ए बी एक गैमिट
स्मॉल ए स्मॉल बी सेकेंड गैमेट, हियर कैपिटल ए स्मॉल बी वन गैमेट एंड सेकेंड स्मॉल ए स्मॉल बी सेकेंड गैमेट. सो दिस इज ऑल अबाउट द लिंकेज. विद दिस अवर चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कंप्लीट.